मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में इंदौर के नेहरू स्टेडियम से मतदान दल को सामग्री का वितरण शुरू हुआ। कलेक्टर इलैया राजा ने खुद सभी मतदान दलों से चर्चा करते हुए उनको मतदान सामग्री सौंपी। इंदौर की 9 विधानसभाओं के लिए कलेक्टर ने अलग अलग व्यवस्था की थी, सभी दलों को बूथ के हिसाब से सामग्री का वितरण किया गया। कलेक्टर इलैया राजा ने सबसे पहले सांवेर विधानसभा के मतदान दल को बस में बैठाकर रवाना किया। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान दल सहित बस के ड्राइवर को फूल माला पहनाई और ढोल धमाकों के साथ रवाना किया। लेकिन अब जा रही ना यार, चलते में रोक नहीं सकते, जान दो। कलेक्टर इलैया राजा ने बताया कि 17 नवंबर को इंदौर शहर वोटिंग का त्योहार मनाएगा, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। शहर के सभी मतदान स्थल पर कई मतदाताओं और कर्मचारियों की सुविधा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान के लिए इंदौर जिले में 11,000 कर्मचारियों के साथ ही 7,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और 2,000 से ज्यादा कर्मचारी मतदान सामग्री के वितरण के लिए लगाए गए हैं। डेफिनेटली कल हमारे लिए मतदान का त्यौहार है 17 नवंबर को, आज है ना मतदान सामग्री ना वितरण के साथ ना शुरू हो गया है। 9 विधानसभा है, मतलब है ना एक त्यौहार का माहौल भी है। सारे 9 विधानसभा डिफरेंट है ना रंग पे ना मतलब सजा हुआ है, एंड हर मतदान केंद्र के लिए एक ना टेबल है, एंड उसमें सारे सामग्री है ना टेबल पे ही दे रहे हैं। कोई क्यूलेस व्यवस्था इस बार है ना किया गया है, कोई लाइन पे खड़ा होने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड हमारी सेक्टर ऑफिसर्स, उनकी कोई कमी है तो उसको ना दूर करा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भी है, मतलब कुल मिलाकर के हमारी टोटल 11,000 हमारी मतदान कर्मी है और हमारी 7,500 है ना फोर्स हैं। इस प्रकार का टोटल 2,000 लोग है ना मतदान सामग्री वितरण करने में भी लगा हुआ है, 20,000 लोग है ना मतलब हमारी ना नेशनल ड्यूटी है ना निभाने के लिए तैयार है। सुचारू रूप से चल रहे हैं ऑलमोस्ट है ना सारे हमारी ईवीएम वीवीपैट्स का ना ऑलमोस्ट है ना मतलब वितरण है ना मतलब है ना टेबल पे दिया गया है। नाउ हर सेक्टर के लिए एक अलग है ना रूट व्यवस्था है बस का, पहले ही हम लोग ने सेक्टर ऑफिसर्स का एक गाइडेड टूर के माध्यम से बता दिया गया है। अभी है ना प्रॉपरली जा करके अपना अपना बस के माध्यम से रवाना होंगे। इस बार हम लोग मतदान कर्मियों के लिए भी व्यवस्था किए हैं, हम लोग है ना चाय बिस्किट और है ना चॉकलेट्स वो व्यवस्था भी किए हैं। एक अच्छा मेडिकल किट दिया हुआ है, सारे उसमें ना दवाइयाँ हैं, सो उनको भी ना ध्यान रखा गया है। तीनों जगह मतलब है मतलब है ना सिंस जैसे मैंने कहा है कि इंदौर में ना वोटिंग का त्यौहार ही हमारे टीम है, सो एक फेस्टिव मूड हो तो हमारी डोल हार वाला सब जगह है रिसीव भी वही करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी है ना मतलब है ना डोल के हिसाब से स्वागत भी हो रहे हैं मतदान दल का। यहाँ से रवाना करने के समय पर भी हम लोग है ना प्रॉपर एक ना फेस्टिव मूड के साथ है ना रवाना करा। कलेक्टर इलैया राजा द्वारा इस बार जिस तरह से व्यवस्था की गई है उससे मतदान दल भी काफी खुश नजर आए। अब ये सभी कर्मचारी 17 नवंबर की शाम को दोबारा नेहरू स्टेडियम लौटेंगे।